और अब आप जबलपुर में हो, जबलपुर में नेताओं की कमी नहीं है, और जिन स्कूलों पे कार्रवाई की है उनके नेताओं से संपर्कों की भी कोई कमी नहीं होगी, ये हम मानकर चल रहे हैं। कितने फोन आ रहे हैं आपके पास में कि ये क्या कर दी है दीपक जी आप, ऐसा उजाला थोड़ी आपको जबलपुर में फैलाना था जिसमें हमारे घरों में अंधेरा हो जाए, ये नेताओं को कैसे निपट रहे हैं आप? मैं एक बात बताऊं आपको, नेताओं के बारे में ये जो राय है कई बार गलत भी होती है। जी ये अभी आप देखेंगे जबलपुर में जो माहौल है, बहुसंख्यक जनता जो है, मोर देन 85-90% जो लोग हैं वो सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के साथ जुड़े हुए जनप्रतिनिधि भी हैं, इसीलिए उनका पूरा समर्थन इस को लेकर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के निर्देशन में सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक तौर पर हमारे मुखिया हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री जी माननीय जनप्रतिनिधियों के भी मुखिया हैं। मुझे लगता है उनकी पूरी सहमति है इसमें और उसी के हिसाब से कार्रवाई चल रही है। मैं पूरी ईमानदारी से आपको इस बात को ये बात कह सकता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए, कुछ उसमें अवरोध पैदा करने के लिए, कोई दबाव डालने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई मुझे कोई फोन नहीं आया। मैं आपको इतना बात जरूर कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस कार्रवाई को अप्रिशिएट किया है, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ।